सो दीज आर प्लस बर्ड्स क्या हाल है दोस्तों मेरा नाम मे डी पी वेलकम टू रिव्यू शिव्यू मैं इनको लास्ट पाँच छः दिनों से यूज़ कर रहा हूँ एंड सम समॉट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करना चाहूँगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इनका जो प्राइस है दट इज़ फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी रुपीज़ इनमें आपको वन ईयर की वारंटी मिलती है इनका जो बाइंग लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो कि लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन के नीचे है अब जानते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर हमको कौन सारी चीज़ें मिल जाती हैं इसके बॉक्स के अंदर हमको मिलता है टी डब्ल्यू एस डॉक्यूमेंट्स एंड टाइप सी केबल एंड अब बात करते हैं इसके केस के फॉर्म फैक्टर के बारे में केस का लुक्स काफ़ी बढ़िया है एंड इन एंड फील भी अच्छी है थैंक्स टू इट्स मैट फिनिश केस फील्स वेरी स्टर्डी एंड सॉलिड हिंज इसमें काफ़ी बढ़िया दी गई है मेटल की हिंज है एंड सामने की तरफ आपको एल इंडिकेटर मिल जाता है नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है एंड बैक साइड में आपको पेयरिंग के लिए बटन दिया गया है इनको ओपन एंड क्लोज करना काफ़ी इजी है एंड आप एक हाथ से लिटरली इनको ओपन एंड क्लोज कर सकते हो एंड ये एक सेटिस्फाइंग क्लिक भी देते हैं लाइक like दिस आप इसको लिटरली दिन भर कर सकते हो सो so, अब अगर मैं बात करूँ इसके बर्थ्स के डिज़ाइन के बारे में या कह सकते हो टी डब्ल्यू एस के डिज़ाइन के बारे में तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है एंड एयर से इंस्पायर्ड है बट जैसे ही आप केस को ओपन करके बर्थ्स को निकालने की कोशिश करोगे तो वो थोड़े स्लिपर ही हैं एक बार में नहीं निकलने वाले ये यूजुअल टी डब्ल्यू एस से थोड़े बड़े हैं बट ये काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग भी हैं क्योंकि मैं इनको गिरा चुका हूँ ये बिल्कुल भी अभी तक टूटे नहीं हैं अब अगर मैं इसकी स्पेक्स के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको आई पी एक्स फोर की रेटिंग मिल जाती है एंड इसमें आपको 13.4 पॉइंट mm के ड्राइवर्स भी मिल जाते हैं टच पैनल भी इनमें दिया गया है जिसके हेल्प के थ्रू आप सॉन्ग्स को चेंज कर सकते हो कॉल्स को आंसर एंड या रिजेक्ट कर सकते हो एंड आप लॉन्ग प्रेस करके दो डिवाइसेस के बीच में स्विच कर सकते हो जो कि एक अच्छी चीज़ लगी मुझे बट इनमें एक चीज़ की कमी है दैट इज़ कस्टमाइजेशन कस्टमाइजेशन सिर्फ और सिर्फ वन प्लस में अवेलेबल है दैट टू शायद सिर्फ वन प्लस सिक्स एंड अब वाले डिवाइसेस में इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ बट मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था गज़ इसमें जो टच पैनल दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव एंड एक्यूरेट है प्लस इनमें आपको वेयर डिटेक्शन भी मिलता है एंड ट्रस्ट मी वियर डिटेक्शन से मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसड हूँ क्योंकि इनके वियर डिटेक्शन इतने एक्यूरेट हैं और इतने फास्ट हैं अगर मैं कंपेयर करूं अभी तक जितने भी मैंने टी यूज़ किए हैं जिनमें भी वियर डिटेक्शन था ये उनमें बेस्ट हैं अभी लाइक नॉट इवन वन ऑफ द बेस्ट दीज आर दी बेस्ट इन टर्म्स ऑफ वियर डिटेक्शन आई एम कम्प्लीटली इम्प्रेस्ड अब अगर मैं बात करता हूँ फिट एंड कम्फर्ट के बारे में तो ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है क्योंकि सबके कान अलग होते हैं लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ये मुझे ठीक ठाक फ़िट हुए मुझे आ, सिलिकन टिप्स वाले जो ईयरफोन्स होते हैं वो ज़्यादा बेटर फिट होते हैं एंड आपको ये शायद बहुत ही अच्छे से फ़िट हों बट मुझे ये ठीक ठाक फिट हुए लेकिन एक चीज़ आपको क्लियरली बता दूँ इनमें कोई भी सिलिकॉन टिप्स नहीं मिलती है जिसकी वजह से जो पैसिव नॉइस कैंसिलेशन है वो बहुत ही अच्छा नहीं मिलने वाला है आपको सो so गाइज़ ये थी फिट लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी टी डब्लू एस दैट इज़ कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी में मुझे ये टी डब्लू एस पसंद आए एंड ये बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं आपके फ़ोन के साथ चाहे कोई भी फ़ोन हो मतलब वन प्लस के फ़ोन हो या नॉन वन प्लस डिवाइसेस हो जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं एंड अगर आप बाहर वॉक पे जा रहे हो और इन टी डब्ल्यू एस को यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई भी चौपीनेस या फिर स्टटर महसूस नहीं होगी लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की इसके रेंज को ले जब भी मैं नॉन वन प्लस डिवाइस यूज़ कर रहा था इनको पेयर करके तो जो रेंज थी वो ओकेश okay थी बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन जैसे ही आप वन प्लस डिवाइस के साथ इनको पेयर करते हो और फिर अगर आप रेंज चेक करोगे तो रेंज ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड अगर आपको एक आइडिया दे दूँ मैं रफ़ आइडिया तो सपोज़ मैं नॉन वन प्लस डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ तो आउट ऑफ टेन में इनको सिक्स सिक्स एंड हाफ दूँगा लेकिन जैसे ही मैं वन प्लस डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ तो रेंज के मामले में मैं फुल टेन ऑन टेन दूँगा मतलब रेंज इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मतलब आपको यकीन नहीं होगा ये सेम ईयरबड्स हैं जो आप नॉन वन प्लस डिवाइस के साथ यूज़ कर रहे थे सो so ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था लेकिन ये हो रहा था सो so आप इस चीज़ को कंसिडर ज़रूर कर लेना वैसे इनमें आपको डबल ए सी एंड एस बी सी कोडेक मिल जाता है सो so अगर आपके फ़ोन में ये दोनों कोडेक मौजूद हैं तो आपको ये मोस्ट ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस देंगे वरना नहीं देंगे एंड एक चीज़ जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप इनको साइमेंटेनियसली दो डिवाइसेस के बीच में यूज़ कर सकते हो स्विच कर सकते हो सो ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई अब गई बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी के बारे में ऑडियो इनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी है मेरे को काफ़ी पसंद आई बहुत ही वेल बैलेंस ऑडियो प्रोफाइल प्रोड्यूस करते हैं ये एंड जो बेस है वो भी ठीक ठाक है मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी नहीं है बहुत ही ज़्यादा वीक नहीं है मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया इसका ऑडियो प्रोफाइल लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इनकी लाउडनेस कम है आई डोंट नो क्यों क्योंकि 13.4 मिलीमीटर mm फोर के ड्राइवर्स दिए गए हैं स्टिल मेरे को लाउडनेस कम लगी एंड अगेन वन प्लस डिवाइसिस में हल्की सी जो लाउडनेस है वो बढ़ जाती है सो so ये चीज़ भी मैंने नोटिस की लेकिन ओवरऑल जो भी मेरा म्यूज़िक एक्सपीरियंस था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया दीज आर डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट टी इन दिस प्राइस सेगमेंट इफ़ म्यूज़िकज़ कंसर्न अगर आप एक बेस हैवी लवर पर्सन हो जिसको गाने में बहुत ज़्यादा बेस पसंद है तो शायद आपको ये इतने खुश ना कर पाएँ बट अगर आप नॉर्मल गाने सुनते हो एंड ऑडियो बुक्स एंड पॉडकास्ट में इंडल्ज रहते हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं अब अगर मैं बात करूँ लेटेंसी की तो मीडिया कंजम्प्शन के लिए ये मेरे फेवरेट टी डब्ल्यू एस थे मतलब मेरे को बिल्कुल भी नहीं मालूम चल रहा था कि लेटेंसी है लेकिन अगर आप गेम खेलते हो तो भी आपको लेटेंसी जो कम मिलती है मगर वन प्लस डिवाइस के साथ और कम हो जाती है लेटेंसी गेमिंग में सो so ये चीज़ भी आप नोट ज़रूर कर लेना इनको ख़रीदते टाइम गई लेटेंसी के बाद अब बात करते हैं कॉल क्वालिटी के बारे में कॉल क्वालिटी इंडोर्स में मुझे काफ़ी अच्छी लगी लेकिन आउटडोर्स में मैं बोलूँगा ये ओके ही शें प्राइस को लेके बहुत अच्छे नहीं हैं लेकिन कुछ ख़राब भी नहीं है इनमें लेकिन ओकेश हैं अगर आप नियो के साथ डायरेक्टली कंपेयर करोगे जो वीवो के निकले थे उनकी कॉल क्वालिटी इनसे मच बेटर है बट आपको उसके लिए एक हजार रुपये एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ता है एंड ये रहा ऑडियो सैम्पल आप खुद सुन सकते हो एंड एक आइडिया आपको लग जाएगा हाँ अभी रूम में आके बात कर रहा हूँ मैं ठीक है और पंखा मैंने फुल स्पीड पर चला रखा है फिर को मेरी आवाज़ आ रही है आवाज आ आ रही और रहा है है ऑलमोस्ट अभी भी लाइक सेम हो रहा है पंखे की आवाज थोड़ी सी आ रही है कभी कभी बीच बीच दिख दिख बट ऐसी नहीं कि को, कोई मतलब आवाज ना सुनाई दे ऐसा नहीं हो रहा बिल्कुल को आवाज आ रही है अभी प्रॉपरली कोई दिक्कत की बात नहीं है बैकग्राउंड हाँ बोल अभी हवा की आवाज ज्यादा आ रही है पिछली बार जब तुमने कॉल किया था कंपेरिजन में अभी ज्यादा आ रही हवा की आवाज पता नहीं यार देखो ये जब तू शांत हो जा रहा है तब तो आवाज आ ही रही है आवाज की बैकग्राउंड में है थोड़ी सी बैकग्राउंड में तेरे को कुछ एक हाई पिच आवाज सुनाई दे रही है कुत्ते के भौंकने की या चिड़िया एक अजीब पिक्यूलियर साउंड में कुछ आ, मतलब चिड़िया की आवाज ऐसा कुछ नहीं आ रहा है इवन लाइक पिछले कॉल में भी कोई भी ऐसी आवाज नहीं आ रही थी जो तू बोला ना हाई पिच वाली हवा की आवाज ही है जो लाइक बीच बीच में थोड़ी थोड़ी घुस आती है बट okay. वो भी लाइक इतनी प्रोमिनेंट नहीं है कि कुछ सुनाई ना दे सो गाइज आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि कॉल क्वालिटी कैसी है इनमें अब बात करते हैं हमारे आखिरी एस्पेक्ट के बारे में दैट इज़ बैटरी लाइफ बैटरी लाइफ इन टी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आप बोल सकते हो मतलब इजीली मेरे को ये छः घंटे दस मिनट के आसपास चल गए एट सेवेंटी टू एट्टी परसेंट वॉल्यूम एंड अगर आप इसको हंड्रेड परसेंट वॉल्यूम पे सुनोगे तो भी आपको साढ़े पाँच घंटे का बैटरी बैकअप इन टी के थ्रू मिल जाता है केस की के अगर बात करूं तो केस में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है एंड एक घंटे दस मिनट एक घंटे बीस मिनट में आप केस को इन टी के साथ मतलब अगर टी अंदर होंगे केस के तो भी आप एक घंटे दस मिनट एक घंटे बीस मिनट में फुल चार्ज कर सकते हो सो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी एंड केस को यूज़ करते हुए आप इन टी को केस के थ्रू चार बार फुल चार्ज कर सकते हो पांचवी बार जब आप चार्ज करने जाओगे तो आपको 70% से 80% का चार्ज मिलेगा तो आप कह सकते हो आपको जो केस मिलता है इसके साथ वो इन टी डब्ल्यू एस को साढ़े चार बार इजीली चार्ज कर देता है इसमें एक स्कीम है मतलब जो वन प्लस फैला रहा है दैट इज़ आप 10 मिनट चार्ज करो एंड पता नहीं दस घंटे तक यूज़ कर सकते हो ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है मतलब आप दस मिनट के लिए चार्ज करोगे तो जो केस है वो अच्छे से चार्ज हो जाएगा आप दो घंटे के लिए टी यूज़ कर सकते हो आपको फिर से चार्ज करना पड़ेगा केस के अंदर डाल के फिर केस आपके टी को वापस चार्ज कर देगा एंड देन आप थोड़ी देर के लिए और यूज़ कर पाओगे ऐसे करके आप नौ घंटे तक यूज़ कर सकते हो सो तो ये चीज़ आप कंसिडर ज़रूर कर लेना इनको खरीदने से पहले सो so गाइस अब बात करते हैं हमारे फाइनल वर्डिक के बारे में एंड मेरे हिसाब से फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही रहेगा कि ये टी डब्ल्यू एस बहुत ही बढ़िया है मेरे को काफ़ी पसंद आया इस प्राइस रेंज में मतलब जो आपको ऑडियो क्वालिटी मिलती है बैटरी बैकअप मिलती है एंड जो वियर डिटेक्शन है हर चीज़ जितनी भी दी गई है वो बहुत ही अच्छे से काम करती है सो so ये चीज़ मुझे पसंद आई एंड अगर आपके पास वन प्लस डिवाइस है देन इट्स अ नो ब्रेनर फॉर यू गाइस आप खरीद लो इसको लेकिन अगर आपके पास वन प्लस डिवाइस नहीं है तो ज़्यादा सोचो मत आप भी ख़रीद सकते हो रेंज की जो मैंने बात की थी रेंज ओकेश है खराब नहीं है बट वन प्लस डिवाइसिस में मच बेटर है सो so ये था पूरा रिव्यू गाइस एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी सो so प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड अगर आपका कोई भी फर्दर सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट करो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में अंटिल देन ओवर एंड आउट